सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज का प्रार्थना में मैं सबको स्वागत करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर हमको लेके आया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम कल प्रभु का वचन से हम सुन रहा था प्रार्थना के विषय में, एफिसियों के पत्री 6 अध्याय उसका 18 वचन हम सुन रहा था, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करना है। उसके बारे में परमेश्वर वचन से मैंने बताया, परमेश्वर का लोग को जब मुंह से हमें आवाज निकाल कर प्रेयर करने का एक अनुभव होता है, समय होता, वक्त होता है, रुकावट काफ़ी समय, बीमारी की अवस्था में पड़ने के समय हमारा मुंह से आवाज नहीं निकलता है, लेकिन हमारा नाकू में शरीर में शायद पाइप डाला होगा, लेकिन हमारे अंदरूनी आत्मा से परमेश्वर के साथ जो रिश्ता जोड़ता है वही होता है आत्मा में। हर समय हर प्रकार 24 घंटा ये प्रार्थना कंटिन्यू कर सकता है। आज मैं परमेश्वर का वचन से एक वचन बोलने के लिए चाहता हूँ। पहले कुरिन्थियों के पत्र 14 अध्याय उसका 15 वचन, परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा, मैं आत्मा से भी गाऊँगा और बुद्धि से भी गाऊँगा। आमेन। देखो 14 अध्याय में परमेश्वर का वरदान के विषय बताया, खासतौर से अन्य भाषा और अन्य भाषा का व्याख्यान, भविष्यवाणी और इसी विषय में बात करने के डिस्कस करने के साथ साथ प्रभु का दास ने एक बात बता, मैं आत्मा और मैं बुद्धि से भी गाऊंगा, आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का प्रभु का लोगों के लिए प्रभु ने दिया हुआ एक स्पेशल गिफ्ट होता है, हम बुद्धि से भी प्रार्थना करता है, आत्मा से भी प्रार्थना करता है। बुद्धि से बुद्धि का प्रार्थना क्या होता है? पिछले कुछ दिन के पहले मैं हमारा भाई दीपक को मैंने लिस्ट दिया, हमारे विश्वासी फैमिलियों का लिस्ट डिटेल प्रेयर करने के लिए। देखो हमको जो कितना आइडिया के अनुसार परमेश्वर की आगे हम प्रार्थना करता है। कोई प्रेयर कुछ लोग बोलता है, देखो बहन जी ब्रदर सिस्टर प्रार्थना करना मेरे लिए, हम सुना वो बात बुद्धि में याद करके हम प्रार्थना लिखकर प्रार्थना कर प्रेयर लिस्ट के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूँगा, ये प्रार्थना के लिए लिमिट होता है। लेकिन ये प्रार्थना में हम आगे बढ़ने का समय हमारा जिंदगी में एक नया लेवल में हम पहुंचाता है, उसको बोलता है आत्मिक लेवल। पवित्र आत्मा का कंट्रोल में हमारा प्रार्थना आगे जाने के समय, आज पिछले हफ्ता भाई हमें दीपक डाला हुआ लिस्ट से बढ़कर परमेश्वर की आत्मा हमको दर्शन के द्वारा हमारे मन के अंदर अलग अलग विषय को, अलग अलग व्यक्तियों को, अलग अलग प्रकार की मुसीबत में पड़ा हुए लोगों को, इलाके को, देश को प्रार्थना में याद रखने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। पौलुस ने कहा मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ। चर्च में किसी को प्रेयर करने के लिए बोले तो हम क्या करता, अच्छी तरीका से हमारा लोग अच्छी तरीका से प्रार्थना करता है, लेकिन वो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आत्मा का प्रार्थना हमारा लैंग्वेज नहीं होता है, ये स्वर्गीय भाषा होता है, हमारा योजना के अनुसार नहीं होता है, हमारे वो परमेश्वर के योजना के अनुसार आता है। चर्च में प्रार्थना के लिए बोले तो 2 मिनट नहीं तो 5 मिनट प्रार्थना करता है, लेकिन आत्मा में प्रार्थना क्या होता है, हमको हमारा सीमा से बाहर होता है। आमेन। दूसरी, हमारे फैमिली में प्रार्थना करने के समय 15 मिनट, हमें आधा घंटा, कुछ लोग 1 घंटा फैमिली प्रेयर करता है, लेकिन आत्मा की प्रार्थना हमारा लिखा हुआ कानून व्यवस्था को सीमा के अंदर नहीं होता है, इससे बढ़कर पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना के लेवल को ऊंचा लेके जाता है। प्रिय लोगों, ये हमें मुसीबत कोरोना हमें वायरस बीमारी के कारण, महामारी के कारण दुनिया के अंदर बहुत बड़ा दुख और मुसीबत बढ़ने के खास समय प्रभु के हजूरी में प्रार्थना करने वाला मेरे भाई बहनों, देखो हमारा प्रार्थना लेवल रेंज और बढ़ाएंगे, हमारा प्रार्थना पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हमें प्रगमें संपूर्ण परमेश्वर के कंट्रोल में आने के लिए हमारा बुद्धि का प्रार्थना और बढ़ाएंगे। अब हमारा जिद छोड़ो, प्रभु के हजूर में फ्री हो जाओ, दिन को रात को हर समय प्रार्थना में घुटना टेको, पवित्र आत्मा अलग अलग विषय के द्वारा बहुत बड़े बड़े चमत्कार के लिए, चिन्ह के लिए, बड़ा जागृति के लिए, बड़ा चंगाई के लिए परमेश्वर उसी लेवल में हमको लेके जाएगा। पौलुस ने कहा मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा
और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से भी गीत गाऊंगा, आमेन आमेन बुद्धि से भी गाऊंगा। हम लिखा वो किताब हमारे पास है, लेकिन आत्मिक शक्ति से हम भजन गाने के समय हम हमारे आंसू हमें हमें हमारे अंग से आंसू निकलना शुरू करेगा, हमारा सारे अवस्था हम बदल जाएगा। वो प्रार्थना कोई वाच करे तो देखे तो उनका कठोर दिल भी पिघल जाएगा। इतना बड़ा अभिषेक हमारे जिंदगी के द्वारा परमेश्वर रिलीज करने वाला है। परम ऊपर प्रभु का सीम सामर्थ्य प्रभु भरकर हमको चलाने वाला है। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की, आमेन।